समस्या के बीच आयुष मंत्री ने झंडे दिखाकर की विकास यात्रा की शुरुआत। बालाघाट जिले में अपनी मांगों को लेकर भारी रोष व्याप्त होने के बावजूद मुख्यालय से सटे ग्राम कोसमी में प्रदेश के आयुष मंत्री श्री रामकिशोर नानू कावरे जी ने आयुष मेले सहित विकास यात्रा की शुरुआत कर दी। बावजूद इसके कि जनपद सदस्य संघ व सरपंच संघ ने संयुक्त रूप से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप चुका है। ज्ञात हो कि ग्राम पंचायत सरपंच संघ, सचिव संघ, ग्राम रोजगार सहायक संघ पंचायत में पहले ही 5 तारीख से तालाबंदी की घोषणा कर चुका है। कर्मचारियों के बीच शासन की नीतियों के प्रति भारी रोष व्याप्त है। बावजूद इसके मंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में विकास यात्रा को हरी झंडी दिखाई गयी। MPCC 24 न्यूज एक्सप्रेस बालाघाट से अजय ढोक की रिपोर्ट। आयुष विभाग के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में हमारे खंड स्तर पर हमने आयुष मेला का आयोजन किया है। संत रविदास जी के जयंती के अवसर पर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के इस विकास यात्रा के समय हमने हमारे जनता जहाँ पर इस यात्रा का शुभारम्भ होगा वहाँ पर सभी जनता हैं, इकट्ठे भी होंगे, उनके स्वास्थ्य को चेक करने के लिए, उनको स्वास्थ्य के लिए, उनको सजेस्ट करने के लिए ये आयुष मेला का आयोजन किया है। मुझे लगता है यहाँ पे आज 200 से 250 लोगों ने इस मेला का लाभ भी लिया है, अपने स्वास्थ्य का चेकअप भी कराया और स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यकता है औषधि वो मेडिसिन उन्होंने यहाँ पर निःशुल्क मेडिसिन भी लिया है। यात्रा विकास का यात्रा है, कौन विरोध कर रहा है, कौन जिसको विकास नहीं कराना है ग्राम पंचायत का वो विरोध करेगा। जनता ने उनको विरोध करने के लिए थोड़ी ना चुनी है, जनता ने उनको अपने गांव के विकास करने के लिए चुनी है। यदि वो विरोध करेंगे तो जनता उनका विरोध करेगी, क्योंकि जनता के लिए लाभ देने के लिए सरकार ग्राम पंचायत आती है। यहाँ भी देखा गया कि यहाँ के जो ग्राम सरपंच है वो भी अनुपस्थित है। सरपंच जी छूट गया होगा, हमने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक हमने चलाया और किस प्रकार की योजना, उस योजना को लेकर मैं आपके ग्राम पंचायत में भी आया था और मैंने उस समय भी आग्रह किया था कि जो व्यक्ति का नाम छूट गया होगा वो व्यक्ति संबंधित हमारे सीओ के पास में, जनपद के हमारे सचिव जीआरएस के पास में आवेदन कर सकते हैं। सचिव की जिम्मेदारी और ड्यूटी होगी कि उस आवेदन का निराकरण जिस विभाग का होगा उस विभाग को मार्गदर्शन, उस विभाग को भेजेगा, प्रेषित करेगा और उस विभाग के माध्यम से उस व्यक्ति को यदि पात्रता रखता है तो उसको लाभ मिलेगा, पात्रता नहीं है तो उसको बताया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं है जिस योजना का व्यक्ति लाभ नहीं लिया होगा। मैं भी पन्ना में था, उनके भी अनिवार्य हमारी बात को सुनेंगे और हमारी यात्रा के हमारे जनप्रतिनिधि भी और हमारे कर्मचारी भी यहाँ पर, इसलिए मैंने लगभग 2.5 घंटे यहाँ पर 2 घंटे से बैठा हूँ, 2.5 घंटे से, नहीं तो हमारी यात्रा 1 घंटे की है। अगर 2.5 घंटे की यात्रा में अगर लगाएंगे तो 5 यात्रा एक दिन में 7 यात्रा करना कैसे होगा। लेकिन हम मुख्य मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करके उनको लाभ देने का काम करेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की योजना, अभी हमारे उपाध्यक्ष जी ने बताया कि आने वाले समय हमारी लाडली बहना योजना, अभी उसकी सारी जानकारी हमारे पास में नहीं आई है कि कौन व्यक्ति को कैसे लाभ मिलेगा, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। हमारे बहनों को लाभ दिलाने के लिए उनके फॉर्म भरने पड़ेंगे, पंजीयन कराना पड़ेगा, तब जाके उनको लाभ मिलेगा। यदि मैंने अपने ग्राम पंचायत में, मैंने अपने गांव में, हमारे जनपद के जिला पंचायत के हमारे यहाँ पर बैठे हुए, मेरे इनसे भी व्यक्तिगत आग्रह है कि आप भी 1-1 25 दिन आपके पास में बचे हैं, आप अपने प्रत्येक ग्राम पंचायत में जैसे चुनाव के समय गए थे वोट मांगने के लिए, वैसे आप जाइए घर घर, हमारे सचिव को लेके जाइए, जीआरएस को लेके जाइए, अपनी टीम को लेके जाइए और बने रहिए हमारे साथ MPCC 24 न्यूज एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।